जो आज तुम्हारे पास है, कईयों का वो सपना याद रखो, बहुत सारे लोगों का वो सपना है। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बॉलीवुड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इस पूरी सोसाइटी पर, आपकी लाइफ पर। इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उससे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक छोटी सी चीज़। तो पहले ये समझाइए कि आपने गांधी जी के तीन बंदर के बारे में जानते होंगे, ठीक है? पहले बंदर क्या करता है कि दो कान बंद कर लेता है, दूसरा बंदर क्या कर लेता है, दो आँख बंद कर लेता है, और तीसरा मुँह बंद कर लेता है। इसका टोटली रीज़न क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले माइंड के दो पार्ट के बारे में समझना पड़ेगा। हमारा जो माइंड होता है, ह्यूमन माइंड, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है कॉन्शियस ब्रेन, दूसरा होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होता है, समझो इसको। जो कॉन्शियस ब्रेन होता है, आप दिन भर में जो भी आप बोलते हो, ठीक है, दिन भर में आप जो भी काम करते हो, वो सारा आपके कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होता है, ठीक है? और उसके बाद में जब आप सोते हो, तो आपकी जो नींद के टाइम पर जो आपका सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होती है। सबकॉन्शियस ब्रेन को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है। अब होता क्या है कि दिन भर में अगर आप नेगेटिव बोलोगे सारा, ठीक है, अगर आप दिन भर में बोलोगे कि मैं बेकार हूँ, मैं ही सबसे बुरा हूँ, तो क्या होगा, आपके कॉन्शियस ब्रेन में नेगेटिविटी जाएगी और फिर सबकॉन्शियस में आपके क्या जाएगा, नेगेटिविटी जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि आपको पॉजिटिव रहना है। अब शुरू करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, मुझे लाइक करके सपोर्ट करिए, और आप कमेंट करके अपने फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहें। चलो हम बात करें सबसे पहले वे ऑफ थिंकिंग। बॉलीवुड ने क्या किया है ना कि आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्या आपकी सोचने की जो एबिलिटी है, ठीक है, हो सकता है आप क्रिएटिव से ज़्यादा सोच सकते हो, लेकिन आप अब हुआ क्या है ना कि आप जब हम एक टाइम से बॉलीवुड कब से चल रहा है, देखो जब आपके ये स्मार्ट टीवीज़ तो अभी से आए हैं, जब से पुराने टीवीज़ थे, जब आप सारे लोग बैठ के एक साथ बैठ के टीवी देखा करते थे, तो एक जब आपने एक चीज़ को बार बार देखा, जैसे कि आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो गाड़ी चलाते हुए क्या होता है कि एक बार पहले आप पहली बार गाड़ी चलाओगे तो बड़ा सोच समझ चलाते हैं कि हाँ गियर किधर है, क्लच किधर है, कितना ब्रेक, कितना एक्सेलरेटर। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है ना कि एक पैटर्न बन जाता है आपके दिमाग में। तो अब क्या हुआ, बॉलीवुड ने जिस तरीके से मूवीज में आपको देखते रहे, आप देखते रहे चीज़ों को देखते रहे, फिर आपको पैटर्न बन गया कि यार हाँ वास्तविकता में चीज़ें वैसे ही होती होंगी। अब पहले क्या होता था कि यार हम लोग ऐसा मान लेता हूँ कि मैं पहले गांव में रहता था, ठीक है, अब मैं गांव में रह के टीवी देख रहा हूँ, तो टीवी में दिखाया जा रहा है कि शहर इस तरीके से होता है, एक शहर में लोग इस तरीके से बातें करते हैं, तो मेरे लिए क्या एक शहर जाना इल्यूजन था, ठीक है। अब जब मैंने उसको देखता रहा टीवी में, तो क्या हो गया, अब वो एक पैटर्न बन चुका है कि यहाँ शहर में लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड ने हमें दिखाया। लेकिन क्या वास्तविकता है, ऐसा नहीं है। अब दूसरा क्या हुआ यार कि योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या हुआ कि यार अपने बॉलीवुड में देखा यार कि एक रिच फैमिली है, वो इस तरीके से रह रही है, तो कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं ना वैसा ही बनना चाहते हैं, हम उसे अच्छा बनना चाहते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ें थी हमने उस पर दुखी होना शुरू कर दिया कि यार मेरे पास तो महंगी गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो बड़ा सा घर नहीं है, ठीक है, मेरे पास इतना महंगा फ़ोन नहीं है, इतना महंगा लैपटॉप नहीं है, ये मेरे पास ऑटोमेटेड इतनी सारी चीज़ें नहीं है, मेरे घर में ये फिंगरप्रिंट वाला गेट नहीं है। जिस तरह हम सारा टेक्नोलॉजी देखते जाते हैं, क्या वो गलत है? लेकिन वो एक तरफ ये भी गलत नहीं है, ठीक है, वो आपको टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको लगातार देख रहे हैं, हम उससे अटैच हो रहे हैं, तो हमें क्या होना है, उससे अटैच नहीं होना, हमें चीज़ों को समझना है। सबसे पहले हमें इस चीज़ की एजुकेशन लेनी है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। इससे हो क्या रहा है, सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इससे सबसे ज़्यादा निराश होते हैं, हम सबसे ज़्यादा दुखी इस वजह से रहते हैं कि यार उसके पास चीज़ें ज़्यादा क्यों हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए, हमको ऐसा करना है कि हमारे पास जो है ना वो सबसे अच्छा है, जो हमारे पास है उसके लिए हमें थैंकफुल होना पड़ेगा। क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है, कईयों का वो सपना याद रखो, बहुत सारे लोगों का वो सपना है। आज जो आप अगर आप फ़ोन चला रहे हो 12,000 का, तो कोई बंदा 2,000 का फ़ोन चला रहा है उसके लिए आज 12,000 का फ़ोन चलाना सपना है, ठीक है। अगर आप आईफोन चला रहे हो तब भी ना खुश हो, कोई बंदा एक 20,000 का फ़ोन चला रहा है उसके लिए आईफोन एक सपना है। अगर आज आप लेटेस्ट में अल्टो में भी चल रहे हो ना, तो कोई बंदा साइकिल में चल रहा है ना, उसका भी सपना है कि अल्टो में चलना।
नंबर थ्री पॉइंट की बात कर रहे हैं कि गेटिंग शेम्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे क्या, कि बॉलीवुड में इस तरह दिखाया जाता है कि अगर आप बड़ी सिटी में जाओगे तो आप इंग्लिश अगर यूज करोगे तो आपको बड़ा सो कॉल्ड स्टैंडर्ड का माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मदर लैंग्वेज है हिंदी, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आप इतना आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है, आपको एजुकेटेड नहीं माना जाएगा, इस तरीके से उसमें दिखाया जाता है बॉलीवुड में। लेकिन क्या ये वास्तविकता में सही है? लैंग्वेज का क्या आपकी इंटेलिजेंस से रिलेशन हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो फिर हमें क्या करना है? हमें बेसिकली जब ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है ना, तो आप आजकल के बच्चों को देखिए, ठीक है, क्या करते हैं वो, कोई अगर हेडा सपोज कि कोई सिटी स्कूल है उसमें अगर कोई बच्चा हिंदी बोलता है प्रॉपर हिंदी, तो बच्चे इस तरीके से देखते हैं कि जैसे वो मतलब बिल्कुल कोई विलेज से आया हो, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा हम थोड़ा नीचे मानते हैं, ठीक है, अपने आप को थोड़ा ऊपर मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों पर भी इफेक्ट डाल रहा है और वो अपने जो उनका फ्रेंड है कोई हिंदी बोल रहा है तो उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बॉलीवुड का ये भी असर पड़ रहा है, बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि जो कोई अगर रिच फैमिली से बच्चा है तो वो कोई मतलब अगर मिडिल क्लास से है तो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं और उससे क्या सीख रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनके लाइफ पे। जब हम इतना कंट्रोल करके चलेंगे तभी हमारी सोसाइटी अच्छे से चल सकती है। एक सबसे वर्स्ट और निगेटिव इम्पैक्ट जो बॉलीवुड का है वो क्या पड़ रहा है, वो है हमारा फीमेल जेंडर के बारे में। फीमेल जेंडर को मूवीज में ऐसे दिखाया जाता है कि फीमेल जेंडर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, उन पर उनके साथ हमेशा कहीं ना कहीं बुरा बिहेवियर किया जाता है। सिर्फ कुछ ही ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें वुमेन एम्पावरमेंट को वास्तविकता में दिखाया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं आपको जिसमें दिख जाएगा कि अगर क्या होता है ना कि चार लड़के खड़े हुए हैं और लड़की अगर वहाँ से निकल रही है तो वहाँ इस तरह दिखाया जाता है कि लड़की अपनी नज़रें झुका लेती है और चली जाती है और लड़के उसका पीछा करते रहते हैं, उस पर कमेंट करते रहते हैं, वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। तो कहीं ना कहीं हमने बॉलीवुड मूवीज़ में लड़कियों को बहुत ज़्यादा वीक दिखा दिया है, लेकिन क्या ये वास्तविकता में सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और जब बॉलीवुड मूवीज़ एक पूरी मिलियंस की पॉपुलेशन देखती है तो एक साथ जब वो देखती है तो उस पर एक क्या होता है, एक मतलब पैटर्न क्रिएट हो जाता है और उस पैटर्न से सबको लगने लगता है कि हाँ वास्तविकता में ऐसा ही होता होगा, लेकिन रियलिटी वैसी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको वुमेंस को एम्पावर करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी और अब आपको सच्चाई को जानना पड़ेगा कि आपको बॉलीवुड से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। बेसिकली आपको टीवी से दूर रहना है, क्योंकि टीवी आपको वो दिखाती है जैसा वो आपको दिखाना चाहते हैं, जैसा वो आपको बनाना चाहते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन, आपका यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप वुमेन के बारे में बात करें तो ऐसे ऐसे गाने बनाए जाते हैं, उन पर ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे उनके लिरिक्स गाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही अनसुटेबल हैं बच्चों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे गाने जब लॉन्च हो रहे हैं, उनका ट्रेंड बन रहा है, तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि उन गानों का मतलब क्या है, लेकिन उनको गाए जा रहे हैं दोहराए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उनके मन में एक पैटर्न बन रहा है और उनको लग रहा है कि ये सही टर्म है, लेकिन वो टर्म बिल्कुल सही नहीं है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर आप गौर करेंगे, अगर आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है, कोई अगर आपने ऐसी चीज़ नोटिस की हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, मैं चाहता हूँ ये वीडियो सब तक पहुँचे और आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को, अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए ताकि इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएँ। बाकी मिलेंगे हम एक और नई वीडियो में, एक और नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक अच्छा वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए चलते हैं, आप काम करते रहिए। बाय बाय।